आप अरे कहाँ थे तुम दोनों? दोनों क्या मतलब? अमीना और तुम, अमीना को कहाँ छोड़कर आए हो तुम? उस चुड़ैल को क्यों लेकर जाऊंगा मैं अपने साथ? पागल बेवकूफ लड़की, आहिस्ता बोलो, कोई सुन लेगा। आपको अब्बा जी का डर है ना, वो तो दफ्तर गए हुए। अच्छा अमीना कहाँ है? मुझे क्या पता अम्मा क्या मतलब, वो तुम्हारे साथ नहीं गई थी? जी? नहीं, बाजार गया था मैं कुछ खाने के लिए। सुबह सुबह जला हुआ नाश्ता जो दिया था आपकी चहेती बहू ने। या अल्लाह, मेरी तो समझ में नहीं आता क्या करूं मैं इस लड़की का। मेरी माँ ने तो वापस अपने घर भेज दें, चाचा चाची को बोले हमें नहीं चाहिए पागल लड़की। तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया, पागल हो गए हो तुम? ऐसे कैसे भेज दूं? शादी हुई है उसकी तुम्हारे साथ, ऐसे नहीं आई वो इस घर में। अच्छा बैठे क्यों हो? जाओ ना, जाकर पता करो अमीना कहाँ है। अरे मैं नहीं जा रहा अम्मा, अब आ जाएगी खुद ही। लगता आ गई है। जी भाईजान, जुबैदा बहुत उदास है अमीना की वजह से। जानता हूँ जानता हूँ, जब आयशा की शादी हुई थी ना इरफान, तो तुम्हारी भाभी भी इसी तरह परेशान रहती थी, रो रो कर जान हलकान कर दी थी उसने। तुम तसल्ली दो जुबैदा को। देता हूँ तसल्ली, मगर उसके दिल को करार ही नहीं आता। अच्छा अच्छा देखो जुबैदा से कहो फिक्र ना करे, अमीना आएगी उससे मिलने के लिए। वाकई आपका और भाभी का प्रोग्राम बन रहा है इधर आने का? अरे नहीं भाई, मेरा कैसे प्रोग्राम बन सकता है, इतनी जल्दी छुट्टी नहीं मिलती। उर्वा अमीना को लेकर आएगा। उर्वा आ रहा है? कब तक आएंगे ये दोनों? मैं अभी तो तुम्हें नहीं बता सकता इरफान, घर जाकर मैं बात करता हूँ। देखो जो ही इनका प्रोग्राम बना तो मैं तुम्हें फोन करके इत्तला दे दूंगा। ये तो आपने बहुत अच्छी खबर सुना दी, जुबैदा सुनेगी तो खुश हो जाएगी। अच्छा भाईजान, हम उर्वा को कुछ दिन रखेंगे अपने पास। हाँ हाँ रखना रखना, जरूर रखना, भतीजा है तुम्हारा, दामाद है तुम्हारा, जरूर रखना उसे।